ओ लेट्स गो, कैसे हो मेरे बीजीएमआई वाले भाइयों। तो हम उतरे हैं टेस्ला फैक्ट्री में, जिसको हम घुसा देंगे उतर उतर कर। हाँ बोलेगा उतरते सर हमें मिल जाती है M4, जो कि हमारी ये फेवरेट गन। और आते हैं इन बंदों को, इन्हें क्या पता आ गया है माफिया की। वो इतनी देर से उतरता नहीं है बंदे, देर से जैसे इधर बाद में मेला लगेगा। सामने से कुछ गोलियां पड़ रही थी, करते हैं उसका काम तमाम। वैसे खाता हमारा खुल गया है एक किल के साथ। ये देखो इधर देख रहा है, ये है आम जिंदगी। चलाओ ना, शॉटगन नहीं चलाने आती। M4 पकड़ कर इधर से शॉटगन चला रहे हैं। करते हैं कुछ लूट, बोट नू भी जिसे कहते हैं असली कैंपर। अरे माफिया यहाँ पर मिल जाता है मुझे सस्ता सा वाइप। सस्ता नहीं, महंगा ही है, क्योंकि रिवाइव मिलना भी मुश्किल है। रिवाइव नहीं मिलता चला जाता रेंजर छोड़। फिर हम पहुंच जाते हैं शक्तिमान की पावर से ऊंची थी, जिसका नाम ट्रांसिट सेंटर रख दिया गया है कुछ देर के लिए इस मोड में। Marked a location. सेंटर बनते थे तो मुझे नहीं पता था कितने बंदे हैं। ऊपर चलते हैं, साउंड आई थी मुझे। हाँ तो हम तो करके जाना अपना बंदो। टाइम भी आ रहा था और बंदों का पता नहीं लग रहा था। ये देखो एक आ गया, क्या कर दिया काम से काम। इधर शायद बोर्ड था, मुझे लगा बंदा है। ये इसने नो निकाला इसको, इधर लूट वगैरह करते कुछ गोलियां वगैरह बंदों के लिए, उनको खिलानी भी होती है भूखे होते बेचारे। I got supplies. कई लोग सोचकर बैठे हो गए, हमने मारना है आज, हमने मारना है आज, हम ही खाएंगे आज कढ़ाई हवा डिनर। पर उनको क्या पता माफिया भी आ गया उनके सपने तोड़ने।
अपनी कैसला में चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलते हैं। और देखो, दो नंबर ने मेरे किल किल चोरी कर लिए सारे। बोट मारने को तो दो नंबर वगैरह रेंडम पे ऐसे देखो, बोट बोट नहीं है मारे। हम चले जाते हैं स्कूल की कुछ बच्चों का इम्तिहान के लिए परीक्षा लेने। हाँ, और हमें इधर कोई बंदा नहीं मिलता। कोई नहीं था, कोई नहीं। सब बच्चे लगता भाग गए हैं। फिर मैनू कुछ आवाजें आई बंदूक होगी गोलियां, और इधर दो दो बंदे रोड ब्लॉक कर कर बैठे थे। मुर्गा डिनर पे हमें सामने दिखती है एक और कैसला, और कर देते हैं इनका कैंसला। नीचे मारने में भी इनका बंदा नहीं, बंदा नीचे नहीं पड़ा। कैसला देखो कैसे हिल रही है। इधर आ जाते हैं हम फैसला की फैक्ट्री में, बंदों का फैसला करने। फिर तो नहीं मिलता, फिर हम जाते हैं ड्रॉप होकर ड्रॉप वगैरह लूट लेते हैं। इधर फैसला करना पड़ गया हमें। चलो कोई बात नहीं, फैसला भी अच्छे के लिए हुआ। ये लोग रैंक छोड़ कर जा सकें, इसलिए हमने फैसला कर दिया। चलो कोई बात नहीं, खुशी होगी इनके लिए तो कि माफिया ने हमारा फैसला कर दिया। फिर गाड़ी चेंज कर कर बंदों को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तो बंदे मुंह दिखाने के लिए राजी नहीं होते। फिर टेस्का के फैसले के साथ एक और फैसला करना पड़ेगा। हमें पेड़ के पीछे शर्मा रहा था बेचारा। ये मेरे दो नंबर के ही पेट में दर्द कर देता है। कोई बात नहीं, हम दर्द हटा देंगे। हमें दर्द हटाने के लिए मुझे मैप में निशान आया। मैं कौन सा निशान आया पता लगा, बंदा उतरा था सामने। हमने गए उसके पास, हमें नहीं पता था बंदा था। मैंने बाद में देखा वो तो बंदा उतरा था जिसका पैराशूट का निशान आया। हम घूमते हैं घूमते घूमते
मारो माफिया के बंदों को मारो तो इनको मारो का फैसला और एंड में खा लेना मुर्गा तवे पर गरम अपनी जी वैगन लेकर रोड पर गेड़ियां मार रहे थे, उसी वक्त हमें कुछ संतों ने गोलियां खिलानी स्टार्ट कर दी, पर गोली खिलाई नहीं की एक भी। हम खिलाते अपना आम बारूद बारूद से मिलता था। ये बंदे ज़्यादा ही चलाक थे, मुझे कर दिया इन्होंने पेट में दर्द, पर सही टाइम पर दो नंबर ने कर दिया हमारे पेट का दर्द ठीक। दर्द ठीक होते ही हमने लगाई जड़ी बूटियां बाबा देवराम की और लूटी कुछ गोलियां और निकल गए। निकले नहीं थे इन बंदों को कुछ गोलियां खिलाई हमने और बंदे ने बना लिया ने सामने कवच और कवच तोड़ना मुश्किल ही नामुमकिन था। तो हम भाई साहब निकल जाते हैं इनका फैसला करने। वैसे तो हमारा ही फैसला होने वाला था पर इनके सपनों पर पानी फिर गया। दो नंबर को पेट में दर्द ना हो इसलिए उन्होंने खिला दिया हमें चिकन। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर, क्योंकि ये है मेरा मुर्गा डिनर। और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I don't know.